Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired. So hello friends, welcome back to my channel. मैं हूँ सुरजीत प्रसाद. मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है. आज मैं आ गया हूँ लोहा घाट, गंगा किनारे एकदम सामने में खड़ा हूँ और वाइफ को लेके आया हूँ. वाइफ को आज देना है दीदी नंबर वन में ऑडिशन, इसीलिए मैं आया हूँ. चलिए, बहुत सारा लाइन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, वाइफ भी वहाँ पे लाइन में है. बने रहिए मेरे साथ, अच्छा लगेगा आप लोगों को. नहटी में अवस्थित लोहा घाट, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है. यहाँ पे एक मैदान भी है और एक पार्क भी है. आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है. बाएं तरफ जो पार्क बना हुआ है और मेरे दाहिने तरफ एक खेल का मैदान है. यहाँ पे बच्चे आके खेल कूद करते हैं. यहाँ का पहले भी एक ब्लॉग मैंने बनाया है. इस प्लेस का नाम है, जो मैदान है ये है पंचानन तला न्यू एथलीट क्लब, जो कि बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, काफ़ी खूबसूरत है. यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं. दीदी नंबर वन के ऑडिशन में यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ देख पा रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे मेरे वाइफ भी मौजूद है. देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ है. अभी तकरीबन 9:30 हो रही है, सभी कतार में खड़े हुए हैं. पूछताछ में पता चला है यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 4 बजे या तो 6 बजे सुबह से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं. ऑडिशन के लिए जो भीड़ है आस्ते आस्ते लगातार बढ़ रहे हैं. अभी तकरीबन बज चुका है 10:30 और हम लोग आए हैं 9 बजे. 9 बजे से हम लोग लाइन में खड़े हैं और 11 बजे से यहाँ का जो कार्यक्रम है स्टार्ट होगा. बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ ही रही है. टोटो आवाज़ आवाज कर रही है, उसके बाद सब उतर रहे हैं, यहाँ पे लाइन दे रहे हैं. 105 तक जो भी आए हुए हैं उन लोगों का नाम लिख दिया गया है. और वाइफ खड़ी है अभी तक, धूप में है. आप लोग थोड़ा देखे ही हैं, लाइन बहुत काफ़ी बहुत भीड़ है यहाँ पे. और बने रहिए मेरे साथ. सामने जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ के क्लब जो है, यहाँ के मेंबर्स है. और यहाँ पे जो ऑडिशन होने वाला है, उससे पहले यहाँ पे सब मेंटेनेंस का काम जो है सब देखभाल कर रहे हैं, ताकि किसी को किसी प्रकार का असुविधा ना हो. ये रही मेरी वाइफ, कड़ी धूप में खड़ी हुई है. ये यहाँ का एंट्रेंस है, यहीं से सभी अंदर जाएंगे ऑडिशन देने के लिए. और यहाँ पे पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी असुविधा या समस्या किसी को ना हो. और ये है वो रूम जिसमें सभी ऑडिशन देने जाएंगे. शेड्यूल के अनुसार 11 बजे से ऑडिशन स्टार्ट होने वाली थी और वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. और यहाँ पे माइकिंग भी हो रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं. दिल्ली नंबर वन का ऑडिशन स्टार्ट हो चुकी है, ऑडिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. और यहाँ पे पुलिस बल के साथ सभी मौजूद है. और यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं. ये फॉर्म फिलअप जो हो रहा है, ये फॉर्म मिल रहा है आपका, यहीं का जो क्लब है, फॉर्म मिल जा रहा है. और यहाँ पे इसको फिलअप किया जा रहा है, साथ में 2 कॉपी फ़ोटो और एक आधार कार्ड के साथ यहाँ पे नॉमिनेशन हो रहे हैं. सुबह 11 बजे यहाँ पे ऑडिशन स्टार्ट हो चुकी है. जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है, उसी तरह से यहाँ पे भीड़ भी बढ़ रही है, आप लोग देख पा रहे हैं. और एक ख़ास बात है कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, एज कोई बाउंडेशन नहीं है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं. यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े तक सभी जो महिलाएं हैं यहाँ पे कतार में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, छतरी लेके भी खड़े हैं, कोई चश्मा भी पहने हुए हैं.
भीड़ का फायदा उठाते हुए यहाँ पे चार्ट वाले एक भैया भी यहाँ पे आ चुके हैं। सामने कुछ महिलाएं जो देख रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हुए हैं, सभी अपने परिजन के लिए इंतजार कर रहे हैं जो अंदर ऑडिशन देने गए हैं। अंदर जाने का अनुमति नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया, एक यही के एक वॉलंटियर को मैंने बोला थोड़ा यहाँ का थोड़ा वीडियो उठा देने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं सामने ये जो रूम है, यहीं पे सभी का ऑडिशन हो रही है और ये है वो एंट्रेंस जहाँ से सभी आ रहे हैं ऑडिशन देने के लिए। और ये है पूरा वो मैदान, वो पार्क आप लोग के सामने, और ये फॉर्म फिलअप करती हुई एक कैंडिडेट। अंदर जाने का अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर नहीं जा पाए। यही के जो गार्ड थे तो उनको थोड़ा बोले कि मेरे लिए थोड़ा सा वीडियो कर दे, तो वो गए अंदर जाके मेरे लिए थोड़ा सा क्लिप सामने से आप लोगों को दिखा के लेके आए हैं। दीदी नंबर रियलिटी जो शो है वो जी बांग्ला चैनल में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है हम लोग के वेस्ट बंगाल में, और इसीलिए यहाँ पे जितने भी महिलाएं आए हुए हैं सभी अपने किस्मत को आजमाने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस रियलिटी शो में चार राउंड का एक गेम होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है और काफ़ी प्रचलित है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे फैमिली को भी बहुत ही अच्छा लगता है। अभी भी बहुत सारे लेडीज़ जो हैं बाहर देख रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, वो लोग भी सोच रहे हैं किस तरह से ऑडिशन दिया जाए। हालांकि बहुत सारे जो लेडीज़ बैठे हुए हैं यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग ऑलरेडी लाइन दे चुके हैं। देखिए लेडी बोल भी रही हैं कि ये लोग अपने दोस्तों के साथ आई हैं। वाइफ अभी लाइन में खड़ी है और मैं अंदर तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं यहीं पे वाइफ का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तक उसका वाइफ का ऑडिशन ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक मैं बाहर में वाइफ का इंतज़ार कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा घूम रहा हूँ और आप लोगों के लिए ब्लॉग है उसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आज का मेरा ब्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये रही वाइफ जो लाइन में कतार में खड़ी हुई है। वाइफ को फॉर्म मिल चुका है, दो तीन घंटे लगातार लाइन में खड़े होने के बाद वाइफ को फॉर्म मिला है। ये रहा फॉर्म, वैसे मिला है जी, देखिए बाकायदा यहाँ पे लिखा भी है जी बांग्ला। वाइफ अभी अंदर चली गई है, वो फॉर्म को फिलअप करेगी उसके बाद ऑडिशन देगी। वाइफ का फॉर्म फिलअप करने के बाद वाइफ यहाँ पे सामने ही खड़ी है, आप लोग शायद देख नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद वाइफ अभी अंदर जाएगी, उसके बाद ऑडिशन देगी। वाइफ का ऑडिशन हो चुका है और वो अभी पुलिस स्टेशन के सामने है, क्योंकि यहाँ पे सामने से जो गेट से जो एंट्रेंस जो है वहाँ से घुसने के बाद उन लोगों को निकालने के लिए दूसरे रास्ते से भेज दिया गया है। तो एकदम नेटी थाना जो है वहाँ पे चली गई है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और क्या क्या वाइफ से पूछा गया, क्या क्वेश्चन अराइज किया गया ऑडिशन में, तो आप लोगों को वाइफ ही बताएगी। चलिए वाइफ के पास चलते हैं अभी। वाइफ का ऑडिशन कम्प्लीट हो चुका है और हम लोग
घर आ चुके हैं और मैं वाइफ से पूछूंगा कि आपको ऑडिशन में क्या क्या पूछा गया, थोड़ा बताइए मेरे व्यूअर्स को। दीदी नंबर वन में कितना राउंड होता है, क्या क्या राउंड होता है, उसके बाद तुम क्यों दीदी नंबर वन होना चाहती हो, और उसके बाद तुमको ये सब राउंड में से कौन सा राउंड तुमको पसंद है, यही क्वेश्चन किया। वैसे आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंड्स भी हुआ, नया नया फ्रेंड्स भी हुआ। चलिए वहाँ पर जाके नए नए फ्रेंड्स भी हुए हैं और बहुत ही मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कि आप लोगों का कैसा लगा थोड़ा मुझे कमेंट्स में थोड़ा बताइएगा। तो चलिए मेरा जो आज का ब्लॉग है दीदी नंबर वन का जो ऑडिशन का जो ब्लॉग है, आप लोगों का कैसा लगा थोड़ा मुझे बताइएगा। पूरा एकदम मुंह पूरा सुखा गया है, अभी जाएंगे सब बनेंगे। ओके बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।